फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या होता है और उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। देखो, कम्युनिकेशन जो है वो कहाँ से आया है? कम्युनिकेशन वर्ड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड से आया है। ये कम्युनिकेट और कम्युनिस्ट विच मीन्स टू थिंग्स कॉमन, मतलब चीजों को कॉमन बनाना इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं या कोई आइडिया एक्सचेंज करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, चीजों को कॉमन कर रहे हैं। तो यही मतलब है कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज करना फैक्ट्स को, आइडियाज को, ओपिनियन को, फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, बाय टू और मोर पर्सन। जो लोग आपस में फैक्ट शेयर करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं एक दूसरे को, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है बातचीत करना, ठीक है। देखो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन की। टू और मोर पर्सन, इसमें क्या होता है, दो मिनिमम दो पर्सन इन्वॉल्व तो होते ही होते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, अपने फैक्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने इमोशंस शेयर करते हैं। तो क्या होता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, दो पर्सन तो मिनिमम होने ही चाहिए। अब ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, अब हम किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं तो कोई तो कुछ या तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, या अपनी फीलिंग शेयर कर रहे होंगे, या अपने ओपिनियन शेयर कर रहे होंगे, या हम किसी तरीके से उसको फैक्ट्स बता रहे होंगे, या अपना कोई आइडिया दे रहे होंगे किसी से रिलेटेड, यही तो है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। आगे क्या कह रहे हैं, यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज सिंबल, मतलब वो कह रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स का ही यूज करा जाए। देखो, एक तो मैं आपको बोल के ऐसे पढ़ा रही हूं, तो वो क्या है, ओरल कम्युनिकेशन, जो मैं सिर्फ आपको बोल कर पढ़ा रही हूँ। अब मैं आपको लिख कर पढ़ा रही हूँ तो वो क्या हो जाती है, रिटन कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मैंने क्या किया, मैंने ऐसे विदाउट सेइंग एनी वर्ड मैंने ऐसे किया, तो आप समझ जाओगे कि मैं आपको हाई कर रही हूँ, है ना। तो ये मैंने अपने जेस्टर, अपने सिंपल के थ्रू, या फिर मैंने आपको ऐसे किया, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको नमस्ते किया विदाउट सेइंग एनी वर्ड, है ना। तो मैंने क्या किया, अपने जेस्टर्स का यूज किया, सिंबल्स यूज किए कम्युनिकेट करने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ड से ही कम्युनिकेशन करा जा सकता है, सिंबल्स के थ्रू, जेस्टर्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव, इसका क्या मतलब है, परवेसिव का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है ना, वो ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर जगह पे यूज होती है। हम पूरा दिन क्या करते हैं, कम्युनिकेट ही तो करते हैं, अपने घर वालों के साथ, हर किसी के साथ, नेबर्स के साथ बातचीत करते हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पर यूज होती है। तो कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। देखो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा है, कि जब कोई दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना, कि जो सेंडर कहना चाह रहा है वही रिसीवर समझे। क्योंकि अगर मैं कुछ और कह रही हूँ आपको और आप कुछ और समझे, फॉर एग्जाम्पल कि आज आप आए, ठीक है, मैंने आपको बोला कि आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, अब इसके दो मीनिंग निकाल सकते थे, कि आप या तो इसको अपनी तारीफ ले सकते थे कि टीचर ने ही बोला है कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, या फिर दूसरा क्या हो सकता था कि मैम क्या मैं पहले सुंदर नहीं लगता। तो ना, जो मैं कहना चाह रही हूँ, मतलब हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो मैं कहना चाह रही हूँ, जिस इंटेंशन से कहना चाह रही हूँ, आप वही समझो। तो कम्युनिकेशन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन को नेवर स्टॉप प्रोसेस है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए बोलेंगे और फिर बस थोड़ी देर का प्रोसेस है, ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा और कम्युनिकेशन करना हम बंद कर देंगे, नहीं। ये तो हर चीज में यूज होती है, कम्युनिकेशन, बातचीत, ये सब तो चलता ही रहता है। आगे क्या कह रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, कोई आइडिया, फैक्ट्स, इमोशन कुछ भी शेयर कर रहे हैं, फीलिंग कुछ भी, तो उन दोनों के माइंड मैच होना ना बहुत जरूरी है, है ना। मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ वही आप लोग समझो। तो क्या है, माइंड मैच होना बहुत जरूरी है। जब हमारे सेंडर और रिसीवर के माइंड ही मैच नहीं होंगे ना, तो वो कम्युनिकेशन कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता, है ना।
मैं कुछ और बोलने जा रही हूँ, आप कुछ और समझे जा रहे हो, जब हमारे माइंड ही मैच नहीं होंगे, जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ उस तरीके से आपको सोचना भी तो जरूरी है ना, तभी तो वो कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो पाएगा, तभी तो वो कम्युनिकेशन कम्प्लीट हो पाएगा ना। दैट्स व्हाई मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। देखो एक तो होती है वर्बल, वर्बल जिसमें वर्ड्स का यूज होता है, और एक होती है नॉन वर्बल। जैसे आपने मेरे से कोई सवाल पूछा जेस्टर्स के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको ये हाय वाला बताया, नमस्ते वाला बताया, नॉन मतलब अब देखो आपने मुझसे कोई सवाल पूछा, मैंने यस या नो में जवाब करना है, मैंने अपने हेड को ऐसे किया, मैंने ऐसे किया नहीं, ऐसे किया यस, तो मैंने क्या किया विदाउट सेइंग एनी वर्ड मैंने क्या किया अपनी आंसर दिया, तो वो क्या हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, जब हम बिना वर्ड्स के मैं आपको कोई बात कह रही हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना। और वर्बल क्या होता है, जिसमें वर्ड्स का यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, दो चीजें, ओरल और रिटन, ठीक है, ओरल और रिटन। वर्बल क्या होता है, ओरल और रिटन, जिसमें वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये दोनों इसके टाइप है। ओरल मतलब बोलकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब मैं ये लिखकर पढ़ा रही हूँ, दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन, अंडरस्टूड, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। यही कह रहा है कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद द कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिकेशन ना उसका कहना है किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई होती है। कम्युनिकेशन के ना जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, उसके अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, मैंने आपको प्यार से कोई बात बोली, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बोला बहन प्लीज पानी ला दे, ठीक है, बहन प्लीज पानी ला दे, मैंने ये बोला, ये क्या है, मैंने उसको प्यार से बोला बहन जाकर पानी लेके आ, ये मैंने क्या किया, बहन जाकर पानी लेके आ, ये मैंने क्या किया, ये मैंने उसको सेम वर्ड्स बोला है, लेकिन मैंने अपने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट को, मैंने बोलने के तरीके को चेंज कर लिया, समझ रहे हो। एक तो हम क्या कह रहे हैं, हमने बोलने के तरीके को चेंज कर लिया, तो कम्युनिकेशन इज ऑलवेज विद द कॉन्टेक्स्ट, उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट से जुड़ी हुई होती है। जब हम सेम बात बोल रहे हैं लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ना, उसका मीनिंग क्या है, अलग अलग निकल कर आता है, समझ गए। जैसे मैंने बोला प्लीज बहन पानी ला दे, और पानी मैं तब भी मांग रही हूँ, पानी मैंने बाद में भी पानी ही मांगा है कि जाकर पानी लेकर आ, लेकिन क्या किया, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। कम्युनिकेट सेम चीज करिए लेकिन क्या हो गया, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग भी बदल जाता है उससे, समझ रहे हो। गुस्सा हो जाएगी ना बहन, आप फिर ऐसे गुस्से में उससे पानी मांगूंगी थोड़ी देगी हूँ, ठीक है। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा आज, कम्युनिकेशन क्या होता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइप्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी मैंने आपको टाइप्स का भी ओवरव्यू दे दिया है ना। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कॉमर्स देवी को सब्सक्राइब जरूर करना, अपना चैनल ही समझ कर सब्सक्राइब करना, और कोई आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।